सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू चाइल्ड एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू फिल सी ए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम फॉर्म, चाहे आप सी ए इंटरमीडिएट में फाउंडेशन सी पी टी रूट से हो, या तो आप कन्वर्टेड रूट से हो, या तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हो। सो वीडियो को एंटर देखना ना भूलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से रूट से बिलोंग करते हैं और आप कौन से ग्रुप का एग्जामेशन देने जा रहे हैं। चैनल में अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पहले ओपन करना ना भूलेगा। सो जैसा कि आपको पता है कि नवंबर 22 एग्ज़ाम ऑनवर्ड्स आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो जो है एसएसपी पोर्टल के थ्रू फिल किए जाएंगे। तो आपको जो है एसएसपी पोर्टल में लॉगिन कर लेना। तो जिनके पास बेसिकली लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो तो लॉगिन कर लीजिएगा, जिनके पास नहीं है लेकिन वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो वो जो है जनरेट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन बिलो में रहता है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एग्ज़ाम फंक्शन, जैसे स्टूडेंट फंक्शन आर्टिकल फंक्शन वैसे ही एग्ज़ाम फंक्शन, इसमें जो आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है गाइडेंस नोट जो है पॉपअप हो जाएगा, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे होंगे आपके एग्ज़ामेशन रिलेटेड। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ को पूरा रेफ़र कर सकते हैं, या आपके अपकमिंग एग्जामेशन में इसके रिगार्डिंग में सारी डिटेल्स गिवन रहती है। आपको सिंपली क्या करना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द गाइडलाइंस में टिक कर देना है और ओके में क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है एग्ज़ाम एनरोलमेंट फॉर्म, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्ज़ाम सेंटर एंड फी डिटेल्स के ये तीन हेड रहने वाले हैं। सो इसमें पर्सनल डिटेल से बात करें तो इसमें आपकी रहेंगी स्टूडेंट डिटेल्स, बेसिक आपकी डिटेल्स रहती है वो आपकी ऑटो फिल्ड रहेंगी, इसमें आपको ऐसा कुछ फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसएसपी पोर्टल में आपका पूरा डेटा पहले से अवेलेबल रहता है तो वो इसमें आपको सिर्फ शो कर रहा है कि आपकी ये डिटेल्स है। फिर लास्ट नोन कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, फिर लास्ट नोन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका बेसिकली एड्रेस, योर फोटो एंड सिग्नेचर इफ़ ब्लैंक फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड। सो आप अपनी फ़ोटो को, अगर आपकी फ़ोटो विजिबल नहीं है, अगर शो नहीं हो रही, तो आप जो है फ़ोटो एडिट फॉर्म में जाके जो है उसे अपलोड और अपडेट कर सकते हैं। इसलिए नीचे जो है नोट भी इंस्टीट्यूट ने गिवन दे रखा है, यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं नोट, यहाँ पर इसकी रिगार्डिंग में दे रखा है, इट इज़ रिकमेंडेड टू अपडेट योर फोटो एंड सिग्नेचर एट स्टूडेंट फंक्शन, स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफाइल एडिट फॉर्म इन एसएसपी एंड अवेट्स इट्स अप्रूवल इन ऑर्डर टू हैव द लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर ऑन योर एडमिट कार्ड। फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज फोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच यू मे एनकाउंटर प्रॉब्लम्स एट एग्जामिनेशन सेंटर। और फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपकी कोर्स की डिटेल रहेगी कि आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाया था, आपने कब जो है एग्जामिशन को क्वालिफाई करा था, सीपीटी रूट से, डायरेक्ट एंट्री रूट से, या तो आप फाउंडेशन रूट से है, उसकी रिगार्डिंग में डिटेल्स होंगी। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से होंगे तो आपकी आर्टिकलशिप जो डिटेल्स है यहाँ पर विजिबल होंगी। और उसके बाद रहेगा आपका सी क्वालिफिकेशन डिटेल कि आपने अगर फाउंडेशन रूट से तो आपने फाउंडेशन को कब क्वालिफाई करा, सीपीटी रूट से रहे कन्वर्टेड स्टूडेंट है तो आपने ग्रुप वन को कब क्वालिफाई करा था आईपीसीसी में, इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स में बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स नेम, फिर कोर्स कोड, कोर्स रजिस्ट्रेशन डेट, कोर्स री रजिस्ट्रेशन डेट, कोर्स एक्सपायरी डेट, एग्जामिशन टाइप, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट स्टेटस। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू हैव एनी वैलिड पेपर एग्जामिशन। अगर आपके पास प्रीवियस एग्जामिशन की कोई एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड थी तो आप येस में टिक करके जो है उसको फिल कर सकते हैं। अनलीज अगर आपकी कोई और पास्ट में थी तो आप एड न्यू रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है पहले प्रीवियस रो फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर एंड मंथ, रोल नंबर और किस पेपर में आपकी एग्जेम्पशन थी। अगर आपके पास एग्जेम्पशन नहीं है तो आप सिंपली नो में टिक कीजिएगा और नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। अब इसमें आते सबसे इंपॉर्टेंट हेड जो कि एग्ज़ाम सेंटर एंड फीस डिटेल्स, ये आपको हेड फिल करना होता है। इसमें आपका पहला आ जाएगा मीडियम डिटेल्स कि आप कौन सा मीडियम ऑप्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। फिर इसमें आ जाते हैं सेंटर डिटेल्स कि आप कौन से सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम अप्लाइड में आप देख सकते हैं ग्रुप वन, ग्रुप टू, बोथ ग्रुप, इसमें बाकी यूनिट्स भी गिवन है। अब इसमें जो भी स्टूडेंट ग्रुप वन क्वालिफाई कर चुके हैं ओल्ड कोर्स में, लेकिन अब वो न्यू कोर्स में ग्रुप टू के एग्ज़ाम दे रहे, तो उनका जो है ग्रुप वन में पेपर नंबर थ्री हुआ करता था कॉस्ट एंड एफएम, तो कॉस्ट एंड एफएम की वजह से उनका जो है पेपर नंबर एट एग्जाम्ड हो जाता है, तो उनको जो है यूनिट टेन सेलेक्ट करना है। तो यूनिट टेन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग के थ्री पेपर्स ही देने पड़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम स्टेट और फिर एग्जाम सिटी। यहाँ पर आप बिलो में देख सकते हैं सेंटर कोड में जोन कवर, तो आपको जैसा कि पता है कि एग्जाम सिटी में वेरियस जोन होते हैं, जोन वन, जोन टू, तो उस पर्टिकुलर जोन में कौन से एग्जाम सेंटर्स कवर हुए, कौन से एग्जाम एरियाज कवर हुए, वो उसमें शो हो जाते हैं। उसके बाद आ जाएगी आपकी फीस डिटेल, एग्जामिशन फी, लेट फीस। मान लीजिए आप एग्जाम फॉर्म तब फिल कर रहे हैं जब लास्ट डेट निकल चुकी है विदाउट लेट फीस, और फिर टोटल फीस। फिर यहाँ पर आ जाते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं,
और इसमें आपको आई एग्री में क्लिक कर देना होता है। जो स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, सबसे बेस्ट बात ये कि अब उनको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए भी सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर एक आ जाएगा अलग से टैब, उसमें जो आपको आई एग्री में क्लिक कर देना होता है। सो उसमें ये लिखा होता है कि आपने जो अपने एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिस्क्राइब लिमिट थी आर्टिकलशिप को कंप्लीट करने की, वो आप कंप्लीट कर चुके हो बेसिकली 9 मंथ्स की, और या तो कंप्लीट करने वाले हो। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की अभी आर्टिकलशिप चल रही हो, बस वो उनकी अब होने वाली अपकमिंग मंथ में एंड हो जाएगी, तो वो भी ऑब्वियसली आई एग्री में क्लिक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात ये कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको जो है अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिन प्रिंसिपल के अंडर आप जो है आर्टिकलशिप सर्व कर रहे थे, क्योंकि उनको जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म का वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो वो अपने एसएसपी पोर्टल के थ्रू उसे वेरीफाई कर देंगे, आपका जो सक्सेसफुली एग्ज़ाम एनरोलमेंट हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डायरेक्ट एंट्री रूट से, जो कि फाउंडेशन रूट से, सीपीडी रूट से, और या तो कन्वर्टेड रूट से, उनके लिए ऐसा कोई डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं होता, तो उनके लिए सिर्फ एक ही सेल्फ डिक्लेरेशन का कंडीशन होता है, जो कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर स्टेटेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म आर फिल्ड बाई मी एंड नॉट एनी अदर पर्सन एंड आर ट्रू टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ आई हैव रीड द गाइडेंस नोट फॉर कैंडिडेट्स एंड सेटिस्फाइड माई सेल्फ दैट आई एम एलिजिबल टू अपेयर इन एंड शोइंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन टू हेल्ड इन एंड आई शैल अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन कंटेन देयर इन इन द इवेंट ऑफ सप्रेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ एनी फैक्ट मेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आई अंडरस्टैंड दैट आई शैल डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इफ ऑलरेडी एडमिटेड अपीयर्ड माई एडमिशन रिजल्ट शैल बी रिवोक्ड फॉर आउटराइट कैंसिलेशन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द डिसीजन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन मी एंड आई शैल अबाइड बाय द सेम आई एग्री में क्लिक करके आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा है डू यू वॉन्ट टू सबमिट यूर इंटरमीडिएट एग्जाम एनरोलमेंट फॉर्म, आपको ओके कर देना और आपको ये जो है पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम, प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और ईएमआई, और फिर आप पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे आप सक्सेसफुली पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल हैव एन ऑप्शन टू करेक्ट चेंजेस ऑफ सेंटर ग्रुप मीडियम थ्रू करेक्शन विंडो अनाउंस लेटर, प्लीज़ विजिट ICAI.org फॉर इट्स अनाउंसमेंट, काइंडली गो टू द इंटरमीडिएट एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म टैब टू व्यू द एप्लीकेशन एंड डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर आप जो है एप्लीकेशन प्रिंट में जाके जो है अपना एग्जाम फॉर्म का PDF डाउनलोड कर सकते हो। बात करें CA इंटरमीडिएट May 23 अटेम्प्ट के एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट्स के बारे में, आपकी एग्जाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो जो है 3rd February 2023 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहने वाली विदाउट लेट फीस 24th February 2023। मान लीजिए अगर आप 25th February ऑनवर्ड्स अपने एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो भी आप उस सिचुएशन में एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है एडिशनल में लेट फीस पे करनी पड़ेगी ₹600 की, और उस सिचुएशन में आप जो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं 3rd March 2023 तक। उसके बाद जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है एंड हो जाएगा, तो आप जो अपने CA इंटरमीडिएट की एग्जाम फॉर्म इन डेट से पहले पहले फिल कर लीजिएगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो कि आपको CA इंटरमीडिएट November 22 अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, चाहे फाउंडेशन रूट से हो, CPT रूट से हो, ओल्ड से न्यू कन्वर्टेड स्टूडेंट हो, डायरेक्ट एंट्री रूट से हो, वो कर तो आपके सारे डाउट्स वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेगा सभी CA स्टूडेंट्स के साथ। वीडियो के एफर्ट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर लिखिएगा थैंक यू, और वीडियो आपको कैसे हेल्पफुल लगी चैनल में अगर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बन करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।